اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره تفوزوا الفوز العظيم وتفلحوا في دنياكم وأخراكم، كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. अल्लाह ताला जमीन पर फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। अदावत और नफरत को खत्म करना चाहिए। आपस में मसावात और हमदर्दी कायम करो। यतीमों, मस्कीनों, कमजोरों, पड़ोसियों, करीबी रिश्तेदारों के साथ एहसान करो। लोगों की बुराई का जवाब अच्छे अंदाज से दो। दुनिया में जो एहसान करेगा आखिरत में भला होगा। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज का खुतबा हज। मैदान अरफात में 60,000 हुजाज कराम की नमाज जोहर और नमाज असर की अदायगी। हुजाज आज रात मुज़दलिफा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। कल सुन्नत इब्राहिमी के बाद सर मुंडवाएंगे। अफगान सफीर को काबुल से बुलावा। इस्लामाबाद में अफगान सफारतखाने में सर्विसेज बंद। वजीर आजम इमरान खान ने भी अहम इजलास तलब कर लिया। सियासी और अस्करी क्यादत शिरकत करेगी। काबुल में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद भी मुशावरत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। अफगान सफीर की बेटी का मुबैना अगवा मशकूक करा। चौथी टैक्सी भी पकड़ ली गई। ड्राइवर से तफ्तीश। लड़की के बयान और नकलो हरकत में तजाद। इस्लामाबाद पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट वजारत दाखिला और वजारत खारजा के हुकाम को इरसाल। भारतीय वजीर खारजा का फैटफ में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का एतराफ। एस जे शंकर का कहना है कि भारत की कोशिशों से ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान का भारतीय एतराफ को FATF के नोटिस में लाने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, धोखेबाजी से पाकिस्तान पर दबाव डालने की भारतीय कोशिश हमेशा नाकाम रहती है। इस साल के बुलंद तरीन सतह पर इंटरबैंक में डॉलर 1.31 रुपये महंगा 161.25 रुपये का हो गया। जुलाई में डॉलर की कीमत 3.71 रुपये बढ़ चुकी है। माहरीन का कहना है, बैरूनी कर्जे और दरामदी अदायगी पर डॉलर की कीमत बढ़ रही है।